हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मासाट्यूबर। होप करता है सब बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल टॉपिक थोड़ा सा डिले हो गया पर कोई बात नहीं। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं हमारी वेडिंग एल्बम। जी हाँ, एक साल के बाद हम शेयर कर रहे हैं क्योंकि पहले काफी सारी चीजें मिक्स हो गई थी, प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड बहुत सारे ओकेशंस। सब कुछ बहुत जल्दी चला कि हमने एल्बम ही कम से कम एक साल के बाद रिसीव की है। हमारे जो फोटोग्राफर टीम थी उन्होंने पिक्चर्स भी बहुत ज्यादा क्लिक करी थी, लाइक मोर देन 1000 पिक्चर्स थी और हमें उसमें से काफी कम पिक्चर सिलेक्ट करनी थी, तो सिलेक्शन में भी टाइम बहुत ज्यादा लग गया। प्लस हमारे इवेंट्स भी बहुत सारे, मैंने सिलेक्ट भी नहीं की, मेरी साइड की एल्बम भी शायद नहीं सिलेक्ट की, अपनी साइड की भी शायद सिलेक्ट की है। तो भाई ये जो वेडिंग हम एल्बम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो मेरे इन-लॉज की साइड की है। अगर आपको बताओ दो साइड की बनती है, लड़की की अलग लड़के की अलग। तो इस वाले एल्बम में मोस्टली जो होंगे वो लड़के वालों की फैमिली के ज्यादा गेस्ट होंगे, बट कहीं कहीं आपको दिख जाएगा। तो हम अपने बेसिकली जितनी इवेंट्स हैं उसको आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि हमारी पिक्चर्स कैसे आई हैं, कैसे लग रहे हैं सब। और अब लव स्टोरी देखने के बाद आप लोग जिन भी लोगों से हम आपको मिलवाएंगे सबका कोई ना कोई हमारी लव स्टोरी रोल है, तो आप रिलेट भी कर पाओगे उन लोगों से। जी हाँ, कि हम किसके बारे में बात कर रहे थे। एंड बाय द वे, अगर आपको आपकी वेडिंग के लिए या आपके इवेंट्स के लिए फोटोग्राफर चाहिए तो उसकी डिटेल्स हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, क्योंकि जो हमारी ये जो वेडिंग एल्बम है इट्स नॉट लाइक अ एल्बम एल्बम, इट्स लाइक अ बड़ा सा सूटकेस। हमने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने हमें बना के दिया है। कोई भी हमारी एल्बम देखता है इट्स लाइक कि ये सूटकेस है। तो हमारी सारे अलग अलग चैम्बर्स में है। फर्स्ट में हमारी रिंग सेरेमनी है, सेकंड में हमारी वेडिंग है, थर्ड में हमारी रिसेप्शन डे की एल्बम है। तो तीनों अलग अलग है। साथ ही साथ उन्हें हमें कॉम्प्लीमेंट्री ना अलग से टेबल पे छोटी सी एल्बम है जो हम अभी दिखाएंगे भी आपको। सब चीज आपको इस एल्बम में आपको देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, और उसके बाद हमें एक पेन ड्राइव है जिसमें हमारी सारी वीडियोज है वेडिंग की, तो हम वो कभी और दिखाएंगे। बट अब स्टार्ट करते हैं एंड आई होप आपको पसंद आई है हमारी ये वेडिंग एल्बम। अच्छे लगे तो प्लीज कॉमेंट करके बताएगा कि कौन सी पिक्चर आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी। ओके, स्टार्ट करते हैं अपनी रिंग सेरेमनी से। ओके, सो ये जो कलर है टैन, ये मयंक ने पसंद किया था। ठीक है, ये वाला एल्बम और ये सारा सिलेक्शन ये थोड़ा सा कांच और यू नो उसका है, 3D इफेक्ट है इसका। तो फर्स्ट जो ड्रॉअर है अगर हम उसे ओपन करते हैं तो फर्स्ट ड्रॉअर में हमारी है रिंग सेरेमनी की एल्बम। ओके, दिस इज आवर रिंग सेरेमनी एल्बम। हर एल्बम के ऊपर ऐसे आपको ये कांच का डिजाइन का फ्रेमिंग मिल जाता है। ऑलराइट, फर्स्ट पेज ही बहुत खूबसूरत है, जिसमें मेरी और मयंक की पिक्चर्स हैं। ठीक है, और कितने बच्चे लग रहे हैं इसमें ना? बच्चे तो नहीं लग रहे, 2 साल में मतलब बहुत चेंजेस आ गए हैं। अभी 1.5 साल में बहुत चेंजेस आ गए हैं लिटरली। यहाँ पे हमारी सबसे प्यारी पिक्चर सेलेक्ट की गई, सबसे बेस्ट फोटोज हमारी 2 हैं जो आप देख रहे हो ना, सबकी दोनों सबसे हमारी बेस्ट है। इनफैक्ट ये हमारी फर्स्ट फोटो है दोनों की जो हमने पोस्ट की थी हमारी रिंग सेरेमनी की। उसके बाद यहाँ पे हमारा वेन्यू है, ये हमारा वेन्यू है और ये गिफ्ट्स हैं जो कि यहाँ पे एंगेजमेंट में आए थे, जाएंगे मिठाई गिफ्ट जो भी एंगेजमेंट में गए थे। एंड देन यहाँ पे कुछ पिक्चर हैं जिसमें घर की लेडीज हैं, ससुराल की। यहाँ पे भी एंट्री इस टाइम पे एंट्री हुई थी हम सबकी। देन यहाँ पे है कृतिका एंड पलक, ये बुआ जी की बेटी है, मामी जी की बेटी है। ये शोभित, यहाँ पे मयंक के फ्रेंड एंड कजन। देन यहाँ पे अगेन ये मयंक ने एंट्री ली थी, जब तक एंट्री जस्ट ली थी कि मैंने वो भी नहीं पहनी कि मैं रिंग सेरेमनी में पहनने वाला था वो। और इधर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ मेरे पापा हैं, मेरे दोनों मामा हैं जो गेस्ट थे लड़की के साइड से, वो मेरे भाई बड़ा भाई है और मेरे खालू हैं। इसके अलावा यहाँ नीचे कजन्स एंड फ्रेंड्स। ये मेरी रक्षी की सबसे प्यारी फोटो है, सबसे प्यारी फोटो मेरी रक्षी की। रिंग पकड़ी हुई है मयंक की, नहीं रिंग नहीं, अपने रिंग का डब्बा पकड़ा हुआ है, अपने रिंग का डब्बा पकड़ा हुआ एक्शन है। अच्छा, वही मैं कहूँ रिंग तो पहना। कामाक्षी की पिक्चर हो पोजिंग, यहाँ मम्मी पापा, यहाँ पे दीदी जी, ये मेरी फर्स्ट फैमिली है। हाँ जी, ये फर्स्ट फैमिली है। यहाँ सबसे बड़ी पिक्चर दी गई है मम्मी एंड पापा की। देन ये बहुत ही प्यारी पिक्चर है हमारी। यहाँ पे भी हम एंट्री ले रहे हैं। अगर आप ये इस टाइम पे हम एंट्री ले रहे हैं, कितनी प्यारी एडिटिंग की है। शायद हाथ पकड़े बैठा था सच में, काम क्लिक बाय सैम ने यार मतलब इतना अच्छी एल्बम बनाई ना, हमें सच में हमने मैट रखवाया, हमें ग्लॉसी नहीं चाहिए था, ये सब भी उन्होंने एडवाइस की है लिटरली। तो यहाँ पे कुछ जो यू नो इससे पहले बाद में पहले आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे शायद हमेशा राइट से देखती है पर ये है मेन कि हमारी रिंग सेरेमनी अभी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है और मैं इस टाइम पे फुल ट्रू ब्लश कर रहा हूँ, एकदम शर्मा रहा हूँ। ये हमारी रिंग्स है, मेरी रिंग्स है, शाय की रिंग्स है। इनफैक्ट मैंने अपनी रिंग भी पहनी हुई है। रिंग्स मेरी और शाय की दोनों की। मैंने अब तक अपनी जब से एंगेजमेंट हुई ना मैंने अब तक अपनी रिंग निकाली नहीं है। बहुत ही प्यारी लग रही है। शाय नहीं पहनती यार, मैं गोल्ड नहीं पहनती, चुभती है मुझे और ऐसे मेरे चोट लगी हुई है तो इसलिए मैंने भी नहीं पहना। तो कुछ यहाँ पे गिफ्ट्स हैं जो इन लॉज की तरफ से आए थे मेरे लिए। यहाँ पे दुपट्टे की रस्म है, ये वाला दुपट्टा मेरे हाथ भी रखा हुआ है एंड ये बहुत सुंदर है। गोल्ड का सेट मुझे जो चढ़ा था वो बहुत प्यारा है। पंजेब की रस्म है, नंदे पहनाती है। देन यहाँ पे बहुत खूबसूरत पिक्चर आप देख सकते हो मम्मी पापा के साथ है। मैं ये मेरी साइड वाली एल्बम यहाँ पे सारे ना अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सारी फैमिली, जीजू, दोनों जीजू, बड़े ताई जी एंड तो सारी कजन्स एंड सिस्टर्स, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉज। ऑलराइट, यहाँ पे मेरी फैमिली आ जाती है, मेरे इन लॉज मेरी साइड। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स जो हैं, क्योंकि ये लड़के की साइड की एल्बम है, तो यहाँ पे मेरी फैमिली की पिक्चर्स कम मिलेंगी आपको। मेरी वाली एल्बम में बहुत सारी, वो भी जल्दी आपको शेयर की जाएगी, ठीक है। फहीम के चैनल पे आप देख लेना, क्योंकि मैं क्या ही दोबारा शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मेरी भाभी, मेरे पापा, मम्मी एंड ऑल, यहाँ पे भी सारे कजन्स, मतलब मेरी भतीजियाँ, एंड फिर यहाँ पे आते हैं ससुराल की पूरी फैमिली, फ्रेंड्स। फिजा एंड जसमीत को मैंने रिंग सेरेमनी में बुलाया था, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं थे। मैंने शमा को भी बुलाया था, क्योंकि बहुत कम गेस्ट लिस्ट थी, 50 की गैदरिंग थी, बट शमा उस टाइम तक जा चुकी थी, क्योंकि उसकी शादी बहुत करीब थी। लिटरली मैंने अभी एक चीज नोटिस की यार, मेरी आंखें टेढ़ी मेढ़ी, ये देखो मेरी आंख टेढ़ी मेढ़ी हो रखी है रेटिंग में, थोड़ी सी ज़्यादा ही सुंदर बना रहे थे। मेरी जीजा के एल्बम के अंदर एक फेस, उसी के नीचे दूसरा फेस जीजा का लगा हुआ था। Then friends, यहाँ पे मोहित, मेरी तरफ से फ्रेंड मोहित भी था। बहुत गंदे तरीके से मोड़ती है मेरी एल्बम ये। तुम्हारी एल्बम क्या होती है? मेरी एल्बम में, मेरी एल्बम में। फिर यहाँ पे मेरी फैमिली है, ये हमारी, ये पूरे लोग, ये तो नहीं है, ये लड़की की फैमिली, ये लड़के की फैमिली, ये हमारी पूरी फैमिली है, ये पूरी फैमिली है। उसके बाद यहाँ गिफ्ट्स दिए थे मेरी तरफ से, जो ससुराल गिफ्ट्स गए थे, वो गिफ्ट्स की फोटोज हैं, जैसे पापा दे रहे हैं, फहीम दे रहा है, मम्मी दे रही है, एंड या भाभी है मेरी, इस दोनों भाई सारी, मतलब मेरी तरफ से। एंड लास्ट यहाँ पे हमारी एल्बम फिनिश हो रही है। डांस के मयंक और मेरा थोड़ा सा डांस हुआ था, कपल शूट, कपल डांस होता है, मिलिट्री है, करना पड़ेगा आप लोगों को। लास्ट यहाँ पे फैमिली पिक्चर हो गई है, और इसके साथ हमारी एल्बम होती है फिनिश। बट लास्ट पिक्चर बहुत खूबसूरत है, ये याद है। सो ये हमारी यहाँ पे होती है एल्बम फिनिश। ऑलराइट गाइस, सो नेक्स्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारा सेकेंड एल्बम, जो कि हमारी वेडिंग सेरेमनी की एल्बम। ये हमारा सबसे खास और यादगार दिन है। जो आपको फ्रंट एल्बम के बॉक्स पे दिख रही है, वही चीज़ आपको हमारी इस एल्बम में दिखाई देगी, ठीक है। सो दिस इज आवर सेकेंड एल्बम वेडिंग डे की। ऑलराइट, स्टार्टिंग में आपको बड़ी शाही की फोटो देखने को मिल जाएगी, मेरी तोसी छोटी सी, कोई नहीं। यहाँ पे भी सारी हमारी डेट भी मेंशन है, इसमें आपको हमारी डेट दी जाएगी, लकीस्ट नंबर 26 नवंबर 2020। क्या मैंने लास्ट अपनी वेडिंग एल्बम रिंग सेरेमनी एल्बम में 9/20/19 बोल दिया, मैं भूल गया अपनी रिंग सेरेमनी की डेट। मैंने 2019 बोल दिया गलती से। पहले शादी की है, फिर एक साल के बाद सगाई की है। एक साल पहले सगाई की है, मैंने 2019 बोला है। अच्छा 2019 बोला, ओके। ओहो क्या हैंडसम लग रहा हूँ यार मैं। यार हमारी ना वेडिंग पिक्चर्स बहुत ज्यादा नहीं हो पाई थी, जस्ट बिकॉज की बहुत थक गए थे, कि हमने नाच गाने में ज्यादा टाइम लगा दिया, बहुत जल्दबाजी में भी किया था, और सब कुछ बारात बहुत लेट आई थी, तो मेरी कुछ पिक्चर्स, मेरी अच्छी सी पिक्चर्स हो गई थी, पर मैं मेरे साथ हमारी कपल इसमें फोटोज हमारी बहुत कम मिलेंगी, एक ही जगह पे मिलेगी इनफैक्ट आपको। एंड माई ज्वेलरी वॉज फ्रॉम राबता बाय राहुल, बहुत ही ब्यूटीफुल ज्वेलरी मैंने वेयर की थी। ओके, सो वो मेरी ज्वेलरी पार्टनर थे, एंड मेरी शेरवानी राजौरी गार्डन से थी। हाँ, से मयंक के घर की रस्में हैं, हल्दी लगी थी मेरे, हल्दी उतारना, तेल उतारना, तेल चलाना, जो भी इसे कहते हैं, जिसे कहते हैं हल्दी चढ़ना और उतरना। वहाँ पे ये फंक्शंस हो रहे हैं, भाभियाँ करती हैं इनके में, मतलब मेरी भाभी ही है, मम्मी ताई सब ने किया था ये वाली बात। यहाँ पे करमवीर है, यहाँ पे उसके बाद मयंक के बाद नहा धोने के बाद फिर मयंक जी तैयार हुए हैं। यहाँ पे सब खड़े फोटो और नजर उतारते हैं और काजल लगाने की एक्टिंग करते हैं। तो ये मयंक के आउटफिट की पिक्चर्स ली गई हैं, जो आउटफिट और जो ज्वेलरी मयंक ने पहनी थी, सहरा वहरा पहन के हीरो बने हुए हैं, दूल्हा बना हुआ है हमारा लड़का। ओहो दिस पिक्चर इज ब्यूटीफुल। माला दोनों जीजा, दोनों जीजा है, जीजा दोनों ने मेरे को नोटों की माला पहना दी, मैंने नोटों की माला गाड़ी में, पापा उतार दो प्लीज, मेरी शेरवानी का सारा लुक खत्म हो गया है। बहुत सुंदर पिक्चर है। यहाँ पे घर की, मतलब ये घर की मेरी सारी लेडीज हैं, गांव की लेडीज और घर की लेडीज हैं, चाची भाभी सब है। एंड देन यहाँ पे गाड़ी सज गई है, ये मेरे बड़े भैया की है, मर्सिडीज में लेके आया मैं तुम्हें अपने घर। ये दोनों जीजा हैं, एंड यहाँ पे कुछ शगुन दिया जाता है, वो 51,000 रुपए का शगुन चढ़ रहा है दोनों जीजा को। यहाँ मयंक निकल रहा है, खुशबू दीदी पीछे है, क्योंकि बहनों का कुछ होता है नेक। मयंक बैठ चुका है, नहीं ये बगी पे बैठ चुके हैं। यहाँ डांस का स्टार्ट हो चुका है। डांस में तो मेरे दोस्तों ने जो आग लगाई ना, जीजा ने दोस्तों ने, सबने, सारी लेडीज, हर कोई ना, इनफैक्ट घोड़ी पे बैठा बग्गी वाला भी नाच रहा था कि मैं भी नाचूंगा। मयंक के फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आप छोड़ ही दो यहाँ पे, हम आप किसी को नहीं जानते। यहाँ पे बहनों का डांस बहुत लंबा हो जाएगा अगर ये देखने लग गए। डांस है, बहुत सारे डांस, सारी डांस की पिक्चर, डांस मैं भी डांस कर रहा था, मैं बग्गी पे भी डांस नाचा इनफैक्ट बैठ के, ठीक है। फिर अभी बारात अब बारात आ चुकी है। अब बारात और मालूम प्राइस है सबको बिल्कुल मिलने लगा था। मिलने की रस्म है, ये मिलने की रस्म है। मैं नहीं इस टाइम पे दूल्हा नहीं होता ना। तो पापा हैं मेरे, उन्होंने मिलने की थी। ये मेरे दोनों चाचा हैं। ठीक है, यहाँ पे मम्मी पापा, ये मयंक एंट्री ले रहे हैं, बारात अंदर आ चुकी है। मैंने इस टाइम पे देखो इस साल होता, इसमें मैंने बोला था कि मैं दोनों पापा को साथ लेके ही जाऊंगा अंदर, दोनों के हाथ पकड़ रखे हैं। एंड देन यहाँ पे भाई मयंक स्टेज पे एंट्री कर रहा था, मतलब स्टार्ट हुई थी एंट्री। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये वाली रिबन कटिंग सेरेमनी होती है जिसमें शगुन दिया जाता है। तो मिलने के बाद मयंक दूल्हे जी एंड उनकी बहनों ने एंट्री ली, तो वहाँ पे रिबन कटिंग की एक सेरेमनी रखी थी, क्योंकि हमारी वेडिंग में ना ऐसा कुछ और भी नहीं था, सिर्फ हमने सेरेमनीज ही सेलिब्रेट की थी, शादी जैसा तो था नहीं। मेरी कोई रियल साली तो है नहीं, आई एम द अनलकीस्ट गाय इन द वर्ल्ड। एंड रुखसार और एक खाला की लड़की, तो उन लोगों ने किया था। फिजा ने तो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिजा बोल रही है लाओ पैसे दो, और रुखसार भी है यहाँ पे रेड लहंगे में एंड जसमीत। तो यहाँ पे रिबन कटिंग के बाद फिर मुझे एंट्री मिली थी। एंट्री के बाद फिर यहाँ पे लोग बैठे, कुछ पिक्चर यहाँ पे कामाक्षी ने मेरे को जैसे किस करते फोटो खिंचाई, तो मेरी खुशबू बहन भी कह रही जबरदस्ती मैं भी एक ऐसे खिंचाऊंगी, मैं भी खिंचाऊंगी, तीनों चारों बहन। और मैं कह रहा हूँ क्यों खराब कर रहे हो मेरा गाल, शादी वाले ये फ्रेंड्स है मयंक के, फ्रेंड्स है भैया सारे। एंड देन यहाँ पे कुछ पिक्चर्स जैसे फैमिली पिक्चर्स, बहने दोनों जीजा, एक बहन, मम्मी पापा, ये बड़ी प्यारी पिक्चर्स है। ओके यू गाइस, नेक्स्ट व्हाट? ओह इसके बाद आ गई है ग्रैंड एंट्री, 2020 की सबसे बड़ी एंट्री, रेड कार्पेट एंट्री है ये। यार इतनी सुंदर तुम्हारी इसको यहाँ पे शायद को इस वाले यहाँ पे जब आ चुकी थी शायद, तो इस टाइम पे मेरी आंखों में आंसू थे और मैं इसी सीन पे कह रहा था कि मैं रोना नहीं है आपको शादी। ये देखो कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं, हाथों में गुलाब लेके एंट्री, इस चद्दर के नीचे शायद को देखते तो मैं तो एकदम एकदम खत्म था। मेरे दोनों भाई यहाँ पे मुझे एंट्री दिला रही, ये मेरी दोनों बेस्ट फ्रेंड है, मेरी भाभी रुखसार, सोनी भाभी, मम्मी, मेरी खाला, सब लोग यहाँ पर है, छोटी भाभी, मतलब इस छोटी चद्दर नीचे सारे घुसे हुए थे। लिटरली मैं ऊपर देख रहा हूं, मैंने कहा मेरी बीवी होनी चाहिए चद्दर के नीचे, सारे के सारे चद्दर के नीचे किया कर रहे हैं। मयंक ने हाथ पकड़ के घुटने में बैठ के हाथ लिया था मैंने स्टेज के लिए। यार मेरे माथापट्टी की तो सुंदर है, मेरी ज्वेलरी इतनी प्यारी थी ना, प्लीज डू चेक आउट राब्ता बाय राहुल। ये वरमाला, वरमाला दैट इज लाइक माला सेरेमनी, दैट्स इट, और कुछ नहीं था हमारे, तो हमने माला। हां वरमाला, वर को मेरे को माला पहनाई गई है। हां तो दुल्हन की माला क्यों नहीं थी। उसके बाद यहाँ पे ये हमारी हो गई यहाँ पे शादी की सेरेमनी कंप्लीट। ये फिर यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हमने कराई थी, फैमिली पिक्चर्स थी। यार मैं इतनी प्यारी रेड लहंगे में लग रही हूँ, मेरा रेड एंड पिंक लहंगा था एक्चुअली। एंड देन यहाँ पे हमारी पिक्चर्स, खूब सारी पिक्चर्स लाइक जसमीत के साथ, मम्मी पापा के साथ, मेरे भाइयों के साथ, चारों भाई, ये मेरी फैमिली की तरफ से पिक्चर है। एंड उसके बाद ये रहे मेरे कंजर दोस्त सारे के सारे, ये है मेरी टीम, जो मेरी टीम मुझे बिगाड़ती है, हम सारे कांड साथ करते, सब कुछ करते हैं, वो टीम है भाई। कम होते रहते हैं, मैं इनके ऊपर नहीं चढ़ते। बड़े पापा, ताई, कौशल मामी की फैमिली, बुआ जी की फैमिली, इसमें अक्षय नहीं है ना, मुझे नहीं, हाँ नहीं है ये दोस्त है। एंड फिर यहाँ पे आते हैं फिर अक्षय के फ्रेंड्स, ये मेरे स्कूल के बचपन के दोस्त जो नर्सरी से आते हैं, ये सारे। ये मेरी भतीजी है ज़ारा, यहाँ पे आई डोंट नो क्या कर रही है, ये घुस गई थी तो कार्तिक आज गोदी में बैठ गया, और ये चारों मेरे बचपन के दोस्त। फिर हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद क्या होती है विदाई, तो ये मेरी विदाई की दूर हो रही है, प्लीज मत जाओ, और मैं कह रहा हूँ एक कैमरा दे, चल मेरा ब्लॉगिंग कैमरा दे, मैं ब्लॉग शूट करना है। मुझे कुछ बोल रहे हैं, ये मेरी मम्मी, हम लोग विदाई के टाइम, ये रुखसार पीछे जो थोड़ा सा ब्लर है। इस टाइम पे एक ही कॉमन डायलॉग होता है, मेरी बेटी से कुछ गलती हो जाए तो अपनी बेटी समझ के माफ कर देना, हर किसी का सेम डायलॉग है भाई। यहाँ पे यार जूते चुराए की पिक्चर्स भी होनी चाहिए, वो जूते चुराए तो बहुत जल्दी हो गई थी, उन्होंने जूते चुराए, उन्होंने पैसे देते मांगे। अच्छा वो मेरी साइड पे है, मेरी साइड में रुखसार ने से शूज पकड़े हुए हैं, वो पिक्चर है। जूते चुराए के बाद मीठा खिलाया जाता है, कुछ हाथ के छाप, मेहंदी के छाप लगवाते हैं, वेलकम शायद। ये पापा ने मेरे लिए, मुझे भी नहीं पता था, ये मेरे और शायद के लिए सरप्राइज था, पापा ने करा था, बट फिर भी क्यूट। अच्छा सेमा, पहले मेरा रूम ऐसा था, फिर मैंने बाद में चेंज करा लिया, बेड ऐसे ही रखा हुआ था। उसके बाद या दैट्स इट। एंड देन यहाँ पे हमारी लास्ट शेड है जहाँ पे मेरी मयंक की पिक्चर्स। ओह वाओ, ये फोटो तो मैंने पहली बार देखी है। नहीं मेरे पास है ये पिक्चर, ये मैंने सिस्टर में देखी थी, फोटो बहुत प्यारी लगी, चुन्नी में शायद को देख रहा हूं, घूंघट करा हुआ है, मयंक देख रहा है। पर ये सब ना शादी के पहले ही अच्छे लगते हैं, बाद में तो हमारी यहाँ पे वेडिंग एल्बम फिनिश हो चुकी है। अब नेक्स्ट एंड जो लास्ट फंक्शन हमारा है वो है, पहले इसको रखेंगे, ये हमारी बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारी, ये भी मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट आउटफिट मेरा भी, मतलब मेरे सारे हम दोनों इसमें ऐसा लग रहा था कि यार एकदम रॉयल वाली फील आ रही थी, कितनी सुंदर। ऊपर से वेन्यू आप देख सकते हो, देखो इसके अंदर देख सकते हो वेन्यू भी एकदम ऐसा था रॉयल सा। एंड दिस ज्वेलरी वाज फ्रॉम, याद नहीं है मुझे, बट ये भी मेरी कोई बहुत प्यारी ज्वेलरी थी, एग्जैक्टली याद नहीं है। इनफैक्ट ये जो हॉल है ना, इसके अंदर हमारी पहली रिसेप्शन, जो पहला प्रोग्राम हमारा रिसेप्शन रहेगा, क्योंकि ये रेडी हो रहा था, रेडी हो रहा था, हमने इसको रेडी होते हुए बुक कर लिया था। बहुत सुंदर है एंड हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट 28th। ओए पहली फोटो भाई दिल आ गया यार, ये हमारी बहुत प्यारी पिक्चर है। लाइक लुक एट दिस। यहां तक तो मेरे बाल खराब हो गए थे, ये सारे मैं खूब झूमा नाचा डांस, बहुत नाचा मैं, लिटरली इतना नाचा ना आप सोच नहीं सकते। पर मैं बिल्कुल नहीं, बहुत कम, बहुत ही कम। देखो बाल बता रहे मेरे हालत क्या हो चुकी है। पर मैं उस टाइम भी लड़के गुस्से, और ये फोटो बाद में लगा देते, भैया ने भी स्टार्टिंग में लगा दी खराब बालों वाली। कितना मेकअप होता है भैया ना तुम्हारी एडिटिंग के चक्कर में। देखो हां तो पसीने छुपाए होंगे, मेरे पसीने भरे हुए। तो यहां पे पोजेस भैया ने बताए थे, ठीक है। अब स्टार्ट। ओए होए होए, ये फोटो पोस्ट भी कर रखे, इनफैक्ट Instagram पे नहीं फॉलो किया तो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरा, ये मैंने वहां पे पोस्ट कर रखी है फोटो। और ये वाली भी कर रखी है, इनफैक्ट ये वाली फोटो भी सबसे सुंदर, बहुत प्यारी फोटो है ये वाली भी। सारी फोटो प्यारी है इस आउटफिट में, हमारी सारी फोटो समझो, एक्साइटमेंट लेवल मेरा बढ़ गया फोटोज देख के, यादें पुरानी पूरी ताजा हो चुकी है मेरे। इवन भैया ने कहा था साइमा मैम प्लीज बाल में गुथ लेना, मतलब बाद में लड़ लेना, अभी पिक्चर्स अच्छी क्लिक करवा लो, बाद में अफसोस होगा। खैर मुझे तो आज भी हो रहा है। देखो मेरे बाल अब पूरे गीले हो चुके हैं, आप लिटरली देख सकते हो मेरे बालों की हालत बिगड़ चुकी है। पर इस फोटो को देखो यार, दिल आ जाएगा यार मेरा तो। आ गया तुम, ओह माय गॉड, मेरा वेन्यू देखो कितना खूबसूरत है। चलो आप हमारा, सॉरी नहीं हमारा जब तक शादी हो चुकी थी, अब तो हमारा आता है वेन्यू, आउटडोर इंडोर दोनों था। और कितना खूबसूरत है ना, ये बहुत ही प्यारा। ये हमारा वेन्यू है, ये नीचे की सीढ़ी एरिया है, यहाँ से स्टेयर्स जाके ऊपर का, ये ऊपर का लगा है जहाँ पे हमारा फोटोशूट चला। ये स्टेज पे से खड़े होकर सामने की फोटो है, यहाँ पे पिक्चर्स हैं, ये एंट्री की पिक्चर्स है। आप देखोगे एंट्रेंस पे सारे, और सबने गाउन पहने थे उस दिन, मम्मी ने एक्सेप्ट साड़ी पहनी थी, बाकी सबने गाउन पहना था। मेरा लहंगा ड्रेस था, उस टाइम पे ट्रेंड था, सबसे ज्यादा न्यू आया था। तो इस ड्रेस में इतनी औसम लग रही थी ना, एकदम पटाखा जिसे कहते हैं। ये भाई समथिंग करके कुछ पेज है, मैंने ड्रेस की डिटेल्स मेंशन की थी। फोटो देखो, ये भी बहुत प्यारी है। यहाँ मम्मी मुझे प्यार कर रही है स्टेज के बाद, यहाँ मम्मी के साथ पिक्चर है। देन ये सारी इस वाली पेज पे अगर देखोगे तो मयंक और सिस्टर्स की पिक्चर्स ज़्यादा दिखेंगी। काकांशा ये जो फोटोज है ना, ये एंट्री पे जाने से पहले डांस स्टार्ट हो चुका था। हाँ। एंट्री हमारी डांस और ढोल और फायरक्रैकर्स का स्टेज पे एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने अपनी सारी ज्वेलरी, और शायद अगर आपको याद होगा आपकी चुन्नी फंस गई थी यहाँ नीचे कील पे चढ़ते हुए। एंड देन यहाँ पे हमारा केक सेरेमनी था, मतलब हमने केक कटिंग की सेरेमनी भी की थी, जिस बहुत सुंदर केक था, जो कि मुझे एग्जैक्टली भी सारी चीज़ें याद नहीं है। पेज वहाँ आप हमारे ब्लॉग्स देख सकते हो, उस ब्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा। बहुत प्यारा हमारा केक भेजा था और हमने उसे कट किया था। लाइक लुक एट दिस केक यार, ब्यूटीफुल, जिसपे मासा लिखा हुआ है, ठीक है। And then last यहाँ पे पापा मम्मी, खुशबू दीदी, जीजू, बड़े पापा, कपल फोटो शूट्स, ठीक है, बहुत सारे होंगे। अगेन यहाँ बहनें ट्रोल कर रही हैं, परफेक्ट फोटो, परफेक्ट दोनों बहनें। दिस वन इज आल्सो परफेक्ट, दोनों के मियां भी देख रहे हैं दूसरे को, यहाँ पे ट्विनिंग करी हुई है दोनों सबने। हाँ जीजा सबने ट्विनिंग की है, यहाँ पिक्चर है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे हैं काफी गेस्ट है, आप नहीं जानते, ये मेरे मतलब गेस्ट मतलब मेरे फैमिलीज के हैं, मेरे यहाँ के आसपास के सारे फैमिलीज हैं। एंड देन यहाँ पे माँ, ये मेरी दादी सास हैं, ये खुशबू के साइड के हैं, खुशबू और मेरे इन-लॉस, मतलब खुशबू दीदी के इन-लॉस एंड आकाश दीदी के इन-लॉस। एंड नेक्स्ट यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं फैमिली की, ये काफी बड़ी पिक्चर आप देख सकते हो, इसमें काफी सारे यू नो फर्स्ट फैमिली एंड फर्स्ट फैमिली के काफी क्लोज रिलेटिव्स। सभी परफेक्ट है एकदम फोटो, ठीक है। यहाँ पे अक्षय के साथ मेरी पिक्चर है, तब तक अक्षय की सगाई हुई थी, शादी नहीं हुई थी। अक्षय की सगाई हमारी शादी से रिंग सेरेमनी से एक दिन पहले हो गई थी। यहाँ मम्मी के साथ एंड पापा के साथ बहुत प्यारी पिक्चर है। एंड लास्ट यहाँ पे जो है ये वाले पिक्चर्स हम ज्यादा नहीं जानते, ये पापा के फ्रेंड्स एंड फैमिली, ये मेरे मामा, मैं सबको जानता हूँ, पर रिलेटिव्स हैं, ये रिलेटिव्स हैं। एंड देन यहाँ पे है ये पाठक, जो मैं इनका बहुत बेस्ट फ्रेंड है और उसकी फैमिली है, भाई है पापा के फ्रेंड्स। यहाँ पे अगेन फ्रेंड्स एंड देन यहाँ पे भी फैमिली है, ये मम्मी की साइड की फैमिली है, मौसी मामा जी, ये मेरी मम्मी की साइड के रिलेटिव्स हैं सारे। एंड यहाँ पे है, ओहो लास्ट शीट में, चलो मेरी फैमिली पूरी फैमिली है, इस लास्ट शीट में पूरी शाही फैमिली है। रिसेप्शन पे भी शाही के भी सिर्फ क्लोज वंस जो थे वही आए थे, फर्स्ट फैमिली दैट्स इट, और एक दो गेस्ट और। तो मेरे मम्मी पापा, मेरी मम्मी बहुत सुंदर लग रही थी उस दिन, इनका आउटफिट बहुत प्यारा है। एंड मेरे खाला खालू, भैया भाभी, मेरे तीनों भाई, मेरी प्यारी अम्मू, बड़ा फोटो हमारा मतलब 1.5 साल की हुई थी हमारा। एंड यहाँ पे अगेन मम्मी की साइड की फैमिली, यहाँ पे मेरी फ्रेंड, उसके बाद लास्ट शीट में है यहाँ पे एंडिंग हमारी स्पेशल फोटोज, ये बहुत ब्यूटीफुल फोटो है, ये भी हमारी सेक्शन की बहुत। ये जो मेकअप किया था वो किया था जसमीत ने, उसने मेरा बहुत ब्यूटीफुल मेकअप किया था। मैं शाही को पिक करने गया था जसमीत के घर से, और मैं देख के वहां शाही को, और वो कॉम्प्लीमेंट्री मेरा गिफ्ट भी था, तो बहुत सुंदर पिक्चर्स क्लिक की गई थी, बहुत सुंदर मेकअप किया गया था, बहुत सुंदर पिक्चर्स थी। इसके अलावा ये जो हमारी वेडिंग एल्बम है, इसकी एक छोटी सी एल्बम है, जो मैंने कितना दिमाग लगाया, ये एग्जैक्ट सेम कि देखो अब मेरी साइड की अगर देखनी हो किसी को एल्बम शाही घर में तो हम एक्सचेंज कर सकते हैं, शाही के उस पास भी छोटी एल्बम है और मेरे पास भी छोटी एल्बम है, हम एग्जैक्टली चेंज कर सकते हैं दूसरे की, तो करनी है ये हमने की नहीं है। जैसे कि हम टेबल पे अपने साइड में रख सकते हैं, कभी हमें दिल किया तो हमें इसमें सारी छोटी छोटी क्लिप्स छोटी छोटी पिक्चर्स दे दी कि हाँ हमारे पास एक छोटी है, तो उन्होंने ये भी हमें एज अ कॉम्प्लीमेंट्री दिया। तो या ये हमारा फाइनल था। मैं तो बस बेटू के बड़े होने का वेट कर रहा हूँ, बेटू बड़ी और इस एल्बम को देखे यार, मजा आ जाएगा। अपने माँ बाप की वेडिंग एल्बम देखना किसको अच्छा नहीं लगेगा भाई, मैंने खूब देखी है भाई। और मैं आपको बता दूं हमने मायशा का जो प्रोग्राम किया था उसकी भी एल्बम ऑलमोस्ट रेडी है, मैंने पिक्चर्स कल ही सिलेक्शन के कम्प्लीट करके दे दी कि हाँ ठीक है एल्बम डन है एंड आप उसे प्रिंट कर दो। सो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी बट किसी ब्लॉग में मैं या हमारी एनिवर्सरी की भी फर्स्ट एनिवर्सरी की बुक करते हैं, इतनी फोटोज खींच देते हैं ना कि हमारी कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, हमारे लिए हम वही अभी फोटोग्राफर हमारी बहुत अच्छी चल रही है। सो या गाइस दैट वाज इट फॉर आवर दिस वेडिंग एल्बम वीडियो। पसंद आई नहीं, लंबी हो गई ना क्योंकि हमारी एल्बम ही बहुत लंबी थी, हमारे इवेंट से बहुत लंबे थे, सब कुछ था। तो अच्छी लगी है तो क्या करना है आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना। ये सारी फोटोज आपको वहां देखने को मिलेंगी और हमारी इस जोड़ी को बहुत प्यार दीजिएगा, आपको हम बहुत सारे अपने स्पेशल मोमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। हमारी जोड़ी को प्यार सपोर्ट लव सब कुछ एंड फॉलो भी जरूर करिएगा इंस्टाग्राम पे @mastatubber2109। सो या गाइस दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, आई लव यू। और वीडियो एंड करने से पहले हम मीट एंड ग्रीट अनाउंस करने वाले हैं, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना। मीट एंड ग्रीट बहुत जल्दी बहुत जल्दी मतलब इसी वीक ही मान के चलिए, तो वहीं पे आपको अपडेट मिलेगा।